नमस्कार दर्शकबिन, आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपसे बात करने वाले हैं राजनीतिक क्षेत्र में अब जो 2019 में विशेषकर जो चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों सभी मिलकर देश में किसके हाथ में बागडोर देंगे और आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का दावेदार पुख्त दावेदार किसका है, आज इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। सर्वप्रथम अब तक सामने प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय राहुल गांधी जी, ये दो प्रबल दावेदार के रूप में सामने प्रस्तुत हैं। यही आज हम उनके नाम से कुंडली में अथवा ग्रह गोचर में चला हुआ योग और दृष्टि और किस चीज का दोष उत्पन्न है, यही चीज को कैलकुलेशन करके आज मैं आपके सामने राजनीति वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं। और ये जो वर्णन है, यह दिसंबर 8 तारीख से लेकर ये जून 29 तारीख तक का वर्णन है। और इसमें नरेंद्र मोदी के नाम से वृश्चिक राशि होता है तो राहुल गांधी के नाम के हिसाब से तुला राशि बैठता है। मंगल की और बृहस्पति की युक्ति, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि युक्ति और सूर्य ग्रहों की दृष्टि, अगर ये क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी के तरफ ग्रह गोचर और नरेंद्र मोदी जी के तरफ जो ग्रह गोचर है, इस ग्रह गोचर में बृहस्पति नरेंद्र मोदी जी के नाम से और सूर्य दोनों बलिष्ठ दृष्टि से देखने की वजह से प्रधानमंत्री की दावेदार के तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी अग्रसर स्थान पर विद्यमान है। और राहुल गांधी और पार्टी नाम मिथुन राशि से आरंभ है, जिससे बृहस्पति का और सूर्य का जो उच्च दृष्टि अथवा शुभ दृष्टि जो है उनके ऊपर कम मात्रा में विद्यमान होने की वजह से, अगर मार्च अप्रैल के बाद इलेक्शन होता है तो कांग्रेस पार्टी को अथवा माननीय राहुल गांधी के क्षेत्र में और निम्नता आ जाएगी। इसलिए आगे प्रधानमंत्री का दावेदार हर प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिखाई पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति सूर्य बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं, ग्रहों के गुरु होते हैं, तो सूर्य ग्रहों का राजा होता है। इसलिए बृहस्पति देवताओं के गुरु और सूर्य ग्रहों का राजा, जिनके भाव पर सटीक और उच्च दृष्टि से उसके क्षेत्र पर दृष्टि बनाते हैं, तो उनका कार्य महत्वपूर्ण तरीके से पूर्ण होता है। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से 2014 में बृहस्पति और सूर्य का दृष्टि माननीय नरेंद्र मोदी जी अथवा भारतीय जनता पार्टी के नाम के ऊपर विद्यमान था, इतना महत्वपूर्ण स्थिति पे विद्यमान नहीं है, पर फिर भी उससे कुछ अंश कम हुआ है। लेकिन अगर आपका मार्च के बाद अगर इलेक्शन होता है तो वही सिचुएशन पुनः आरंभ हो जाएगा, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजय होने की जो लक्षण है वो पूर्ण दिखाता है। और आगे भी मैं आपको सामने राजनीतिक क्षेत्र के बारे में प्रस्तुत करता रहूंगा। और आज जो प्रसंग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इस प्रसंग को आप जब तक इलेक्शन का डेट डिक्लेयर ना हो तब तक आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में आप रखना, और जो हमारा भविष्यवाणी है उसके ऊपर तब आप हमारे भविष्यवाणी के ऊपर तब आप परसेंटेज देना।
क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन आज आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये कई दिन अथवा कई समय के कैलकुलेशन के बाद में जो आज आपके सामने इस चीज को प्रस्तुत कर रहा हूँ। हस्त मित्र, आज के लिए इतना ही, फिर एक और टॉपिक लेकर आपसे मुलाकात करूंगा। हरिओम।